सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं इस घंटे को ताकि आप मेरे आए सभी लेटेस्ट वीडियो गाने आप देख सकें। सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सतीश कुमार कुशवाहा और मैं बलरामपुर जिला का एक छोटा सा शहर वाड्रप नगर करने वाला। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि हर एक शख्स अपनी जिंदगी में पहले से ही कुछ ना कुछ सोच के रखा है कि मुझे क्या करना है। आज इस स्टेज में आज मैं हूं। एक समय था जब मैं खुद स्टेज से नीचे था। ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, ये कुछ समय की बात है, कुछ क्षण बोल सकते हैं जिसको। आज से एक साल पहले मैं सबसे पहले उन भगवान उन परमपिता के नाम पे चाहता हूं, पर जोरदार तालियां होना चाहिए। जोरदार तालियां दोस्तों पर जोरदार तालियां। क्योंकि भगवान के मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता दोस्तों। और वही हमारे कुल देवी देवता, वो हमारे सभी गुरु, हमारे माता पिता, इन्हीं का आशीर्वाद जिंदगी में हमेशा हर किसी को एक सक्सेस रास्ता दिखाता है और वो हाँ उसके मंजिलों तक पहुंचाता है दोस्तों। और मेरे भी जिंदगी पे, मेरे भी लाइफ पे सारी बातें लागू होता है। कहीं ना कहीं ऊपर वाले का ही देन है कि आज हम इस अगर स्टेज पे पहुंचे हैं, इस जगह पे खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी मर्जी से है। क्योंकि बिना उसके मर्जी के इंसान सांस क्या है, हवा का एक झोंका भी नहीं आता दोस्तों। मेरा भी पढ़ाई, फैमिली परिवार एक गरीब, बहुत ही गरीब घर से है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं पढ़ाई कुछ भी नहीं किया हूं। मैं 12th में जब यहां पढ़ाई कर रहा था तो बहुत बड़ी बात, हमारे जो पिताजी हैं, हमारे पापा, उनका एक सपना है कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा, जब मेरा 25 साल जब मैं क्रॉस करूं, तो मेरे पास वो सारी चीजें हो, अपना खुद का एक बड़ा घर। क्योंकि याद रखिएगा, पैसा तो भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। किसान परिवार से हैं,
तो हमारे पास ज्यादा कुछ नहीं था। हम यहाँ अब सोच रहे होंगे आप लोग की वाटर कलर से लोग पढ़ने यहाँ क्यों आए। लोग अंबिकापुर जा सकता था, रायपुर दूर भिनाई जाएगा, कुछ भी क्या चीज था कि एक कुछ नहीं आएगा, कुछ भी तो छोटा शहर है। ठीक है, तो मैं बताऊंगा। एक मेरे चाचा थे जो कि यहाँ सहबाग में टीचर थे, तो मेरे को बोले अपने खास चाचा नहीं है मतलब अपने खानदान के हैं। ठीक है, लेकिन बोलने के लिए हर कोई बोल सकता है लेकिन साथ कोई नहीं देता। मैं आपको एक चीज आप बता दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को बोले चलो पढ़ाई करने के लिए, मैं एग्रीकल्चर में बहुत रुचि था, पापा बोले एग्रीकल्चर लेके पढ़ेगा क्योंकि इसी किसान परिवार से है, कोई बड़ा नौकरी लग जाएगा। ठीक है, तो जब पढ़ाई स्टार्ट किए हम कुछ में, लेकिन मैंने इतने मैं घर में था, मेरे को मेरी पूरा हर घर का हर काम मेरे को ही करना पड़ता था क्योंकि मेरे पापा का पैर टूटा हुआ है, वो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते हैं। ठीक है, खेत में काम नहीं कर सकते, हर नहीं चला सकते हैं, इस प्रकार की समस्या है। तो बस मैं 21 साल बाहर में पढ़ने के लिए बस मैं कुछ भी आया था। ठीक है, वहां भी खाली एक अच्छा था सब्जेक्ट, लेकिन वो प्राइवेट स्कूल में था और प्राइवेट में पढ़ने की औकात नहीं थी अपनी। ठीक है, तो घर में जितना संपत्ति था, धान कमाते थे हम लोग, साग सब्जी कमाते थे, मैं खुद मेहनत करता था। ठीक है, तो अपने मेहनत से जब मैं भाई यहाँ आ गया तो फिर घर पे कौन मेहनत करेगा। सही बात है कि नहीं, मैं यहाँ आ गया पढ़ने के लिए, घर पे मेहनत करने वाला कोई नहीं। अब समस्या और बढ़ते धीरे धीरे गंभीर होने वाला है। देखिए समय इतना खराब हो गया मेरा, लेकिन नहीं मानिएगा, आप जनपद के पास जाएगा वहां पे प्रजापति होटल में, उस होटल में काम करता था जब पढ़ाई करता था, मैं उस होटल में काम करता था। इसलिए काम करता था क्योंकि पैसे नहीं थे ना मेरे पास,